ऋषिवर, बताइए ना ऋषिवर, संकट किस पर होगा? यह सोचने के स्थान पर तुम्हें यह सोचना चाहिए कि संकट के अंत का उपाय क्या है। हनुमान, इस जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष की भूमि पर अनेक ऐसे देवस्थान हैं जो तीर्थों के रूप में स्थित हैं, जिनके पूर्ण प्रताप से बड़ी बड़ी आदि व्याधियां ही नहीं आसन्न मृत्यु भी टल जाती है। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है ब्रकंडू तीर्थ, जहाँ मृत्युंजय महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात वास करते हैं। वहां सपरिवार जाकर उनके दर्शन एवं पूजन करने से तुम्हारे परिवार पर आया हुआ ये संकट टल सकता है पुत्र। अच्छा, तो ऐसा प्रताप है उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन में? हाँ हनुमान, असाध्य रोग, आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, हर प्रकार के संकट हर लेते हैं मृत्युंजय महादेव। अच्छा मृत्युंजय महादेव कैलाशवासी महादेव से भिन्न है? है तो वही महादेव पुत्र, किंतु कैलाश धाम हर भक्त तो नहीं जा सकता ना पुत्र, इसलिए उस स्थान पर महादेव अपनी सभी शक्तियों के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित। इसी प्रकार अनेक देवी देवता विभिन्न स्थानों पर किसी न किसी लीला के द्वारा अपने अपने अंश के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए स्थित हुए। तो क्या उस स्थान पर भी भगवान शिव जी की लीला हुई थी? हाँ पुत्र, उनका ये मृत्युंजय महादेव नाम एक बालक के कारण पड़ा। एक बालक के कारण? एक बालक? बालक, बालक? ऋषिवर, आप मुझे उस बालक की कथा सुनाइए, कदाचित वो सुनने से मुझे कोई उचित मार्ग मिल जाए। हाँ ऋषिवर, अच्छा सुनाता सुनाता हूँ, आओ उस वृक्ष की ओर चलते। बालक, आदिकाल में एक बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि थे मृकंड, उनकी कोई संतान नहीं। एक समय की बात है, जब वे अपनी कुटिया के प्रांगण में ध्यान लगाए हुए बैठे थे तो उनकी पत्नी मरुदमती पौधों को जल दे रही। जहां ऋषि पत्नी पौधों को पानी दे रही थी, वहीं कुछ बालक क्रीड़ा कर रहे थे, जिन्हें देखकर ऋषि पत्नी को अपनी संतानहीनता का दुख होने लगा। अरे यहाँ दो, मरुदमती, मरुदमती क्या हुआ प्रिय? ये जल तो यूं ही व्यर्थ में बह रहा है। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं मरुदमती, हे प्रभु, उस व्यर्थ बहते हुए जल की भांति ही मेरा जीवन भी व्यर्थ ही निकला जा रहा है। हे देवेश्वर, व्यर्थ होता है वो पौधा जिसमें पुष्प ना खिले, कोई मोल नहीं ऐसे वृक्ष का जिसमें फल ना लगे। क्यों दिया आपने मुझे ऐसा व्यर्थ जीवन प्रभु? ये तो अच्छा होता कि आपने मुझे ये जीवन ही नहीं दिया होता। मरुदमती उठो प्रिय, मरुदमती दुखी मत हो प्रिय, देखना उन क्रीड़ा कर रहे बालकों की भांति एक दिन हमारा भी बालक होगा।
जो तुम्हारे सोने आंचल को अपनी किलकारियों से भर देगा। कैसे होगा, कब होगा स्वामी? इतने वर्ष व्यतीत हो गए यही सुनते सुनते, अब तो आयु भी पार हो चली है। प्रिय तुम देखना, ये महादेव ही हमारी बिगड़ी बनाएंगे, यदि ये चाहे तो मरुथल से भी जल निकाल दें, चट्टानों में भी पुष्प खिला दें। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, और तुमने भी तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा की है। अब मैं इनकी प्रसन्नता के लिए घोर तप करूंगा। ये भोलेनाथ अवश्य ही अपने प्रसाद से तुम्हारा आंचल भर देंगे। हाँ, मेरी माँ भी मुझे कभी कभी कहती है कि मैं भी भोले बाबा का ही प्रसाद हूँ। और फिर क्या हुआ, क्या भोले बाबा ने उन्हें संतान का वरदान दिया? हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने ऋषि मृकंडू को भी वरदान दिया, किंतु वरदान सहजता से नहीं मिलता। उसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो भी बहती हुई झील में एक पांव पर खड़े रहकर। एक पांव पर? हाँ, वर्षा धूप शीत कुछ भी हो, उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। दिन निकले, मास व्यतीत हुए, ऋतुएं परिवर्तित हुई, वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात अंततः वो दिन भी आ गया जब उनकी तपस्या अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। नेत्र खोलिए ऋषिवर मृकंडु। शिव शंकर, आज आपने सुनी ली इस दीन की पुकार। प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो दीनानाथ, आपकी जय जयकार हो। ऋषिवर मृकंडु, आपकी तपस्या सफल हुई, कहिए क्या अभिलाषा है? हे देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सबके हृदय में वास करते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु। किंतु इच्छित वर तो आपको प्रकट करना ही होगा ऋषिवर। हे प्रभु, ना तो मुझे धन संपदा की इच्छा है और ना ही राजपाट की अभिलाषा, मात्र एक संतान का वरदान दे दीजिए प्रभु। ऋषिवर मृकंडु, आप संसार का कोई भी अन्य सुख मांग लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा, किंतु आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। आप तो सर्व समर्थ हैं प्रभु, किंतु यदि भाग्य की ही बात है तो उसे अपने कर्म और तपस्या से परिवर्तित किया जा सकता है प्रभु। मैं और घोर तप करूंगा भगवान, मुझे तपोफल के रूप में मात्र संतान की अभिलाषा है। आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप तपोफल के अधिकारी हैं। मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दूंगा, किंतु क्या प्रभु? ऋषिवर, आपको दीर्घायु पुत्र एवं तेजस्वी पुत्र में से
एक विकल्प का चुनाव करना होगा। दीर्घायु पुत्र चुनेंगे तो वो कदाचित तेजहीन हो, दुर्बल हो। तेजस्वी पुत्र चुनेंगे तो उसकी आयु कम होगी। अच्छा, फिर क्या चुना ऋषि और मृकंडू ने? दीर्घायु पुत्र या तेजस्वी पुत्र? अच्छा, तुम सब बताओ, उन्होंने क्या चुना होगा? तेजस्वी पुत्र, जो विद्वान और अपने कर्मों से अपनी एवं अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाए, जिस पर माता पिता को गर्व हो, या दीर्घायु पुत्र, जो बहुत लंबे समय तक जीवित तो रहे किंतु अयोग्य हो, दुर्बल हो। मैं बताता हूँ ऋषिवर, हर माता पिता अपने पुत्र को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उसने मुकंडू ऋषि ने उन्हें दीर्घायु पुत्र का ही आशीर्वाद दिया होगा। तुम क्या सोच रहे हो हनुमान? मेरी माँ ने मुझे सदैव सीख दी है कि सत्कर्म और सद्गुणों से बड़ा और कुछ नहीं होता है। अपनी तेज और अपनी ऊर्जा से सबकी सहायता करो। मेरे पिताश्री ने भी मुझे सीख दी है कि भले ही पुष्प केवल एक दिन के लिए ही खिलता हो, किंतु वो अपनी सुगंध से सबको आनंदित कर देता है। अतः मुझे प्रतीत होता है कि स्वयं मृकंडू जी ने अवश्य तेजस्वी पुत्र की ही कामना की होगी। हनुमान, तुम्हारा कथन सत्य है। ऋषि मृकंडू ने भी गहरे विचार और मंथन के पश्चात यही विकल्प चुना था। प्रभु, तेजस्विता की आयु अनंत होती है। पुत्र यदि तेजस्वी होगा तो अल्प जीवन में ही उन्नति के चरम को स्पर्श कर लेगा। अपनी कीर्ति से जगत के लिए स्मरणीय बन जाएगा प्रभु। दीर्घायु पुत्र यदि तेजहीन है तो उसका जीवन व्यर्थ है प्रभु। उसके जीवन काल में ही जगत उसे विस्मृत कर देगा। हे प्रभु, मुझे तेजस्वी पुत्र की ही कामना है। तथास्तु। हाँ, तेजस्विता ही सार्थक होती है। मैं भी अपने माता पिता का तेजस्वी पुत्र बनूंगा। मैं भी बनूंगा। तुम सब अपने माता पिता के तेजस्वी पुत्र बनना, किंतु पहले पूरी कथा तो सुन लो मित्रों। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर कुछ समय के पश्चात मृकंडू ऋषि एक पुत्र के पिता बन गए। उनकी पत्नी पुत्र को पाकर सारा दुख भुला बैठी। बड़े प्रेम से उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मार्कंडे। मार्कंडे? हाँ, तेजस्वी पुत्र मार्कंडे, जिसकी कुंडली बनाने के लिए स्वयं देवर्षि नारद पधारे थे। बालक मार्कंडे, तुम बहुत भाग्यवान हो, स्वयं देवर्षि तुम्हारी कुंडली बना रहे हैं। हो गए शिशु के ग्रह गोचर। नारायण नारायण। ऋषिवर मृकंडू, सूर्यदेव के समान तेजस्वी है आपका पुत्र मार्कंडे। कार्तिक मुनियों की भांति ही विद्वान होगा ये। हाँ देवर्षि, इसका चौड़ा ललाट, इसकी उभरी हुई ये नासिका, इसके तेजस्वी होने का प्रमाण है। ईश्वर इसे दीर्घायु प्रदान करे।
ऋषि, आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं? सूर्य को अनायास ही ग्रहण लग जाए तो चिंता तो होती है ऋषिवर। कुंडली के अनुसार मार्कंडे अल्पायु का पालक है। अल्पायु? ठीक से देखिए देवशी, कहीं आपकी गणना में कोई त्रुटि? कोई त्रुटि नहीं है देवी, मार्कंडे की आयु मात्र 10 वर्ष की है। नहीं, महादेव ने स्वयं मुझे मातृ का सुख प्रदान किया है, वो इतने शीघ्र मेरा आचरण सुना नहीं कर सकते, मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। महादेव इतने निष्ठुर नहीं है मरुदमती, हमारे भाग में तो संतान का सुख था ही नहीं, वो तो ईश्वर की कृपा है जो हमें ये आशीर्वाद प्रदान हुआ। किंतु? किंतु क्या स्वामी? महादेव ने मुझसे कहा था दीर्घायु अथवा तेजस्वी पुत्र में से मुझे किसी एक को चुनना होगा, और मैंने तेजस्वी पुत्र को चुना। किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि आयु इतनी अधिक अल्प होगी, मात्र 10 वर्ष। मात्र 10 वर्ष? एक एक दिन गिनते हुए बिताने होंगे ये 10 वर्ष। मातृत्व के सुख के साथ हर क्षण अपने पुत्र से बिछड़ने का आभास। ये वरदान है या अभिशाप? ये कैसा वरदान हुआ ऋषिवर, इतनी अल्प आयु, मात्र 10 वर्ष? 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में ही निकल जाते हैं। 10 वर्ष की अल्प आयु में कोई कैसे हो सकता है तेजस्वी बालक? क्या सेवा कर पाए होंगे वो अपने माता पिता की? बालको, मार्कंडे वास्तव में ही बहुत तेजस्वी बालक था। 3 से 5 वर्ष की आयु में उसने अपने पिता से समस्त वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता के आंचल का सुनापन मिट गया था, पिता को भी एक ध्येय मिल गया था। उनके जीवन को जैसे एक नई दिशा मिल गई थी एक बालक के आने से। एक और मार्कंडे का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी माता मरुदमती की ममता भी पुत्र के लिए बढ़ती जा रही थी। मन और पवन खिल उठे थे ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी के। 5 वर्ष का मार्कंडे अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। दौड़कर पुष्प लेकर आता पूजा के लिए, यज्ञ की वेदी सजाता, माँ से पहले ही भागकर जल लेकर आता। अपनी माता पिता की सेवा में उसे बहुत आनंद आ रहा था। मरुदमती, मरुदमती शीघ्र बाहर आइए। ऋषिवर, अपने माता पिता की सेवा करने में तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? किंतु अब मार्कंडे जी के पास तो केवल 5 वर्ष बचे थे ऋषिवर, फिर क्या हुआ?